कांग्रेस और भाजपा के लोग इसको निलंबित करने के ये जो कानून है, ये कानून रद्द करने के लिए कौन सा कारण बता रहे हैं? कानून रद्द करने का एक तो मिमिक्री का मुद्दा है और सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा है। इसमें आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये तीन कानून निलंबित किए गए हैं, तीन कानून रद्द किए गए हैं। आरएसएस और भाजपा के द्वारा क्या कारण बताया गया? कारण बताया गया कि ये जो रद्द किए गए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। संसद में 242 लगभग सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर संसद से निलंबित किया और निलंबित करने के बाद तीन महत्वपूर्ण कानून पास किए गए। आप लोगों का ध्यान शायद इस बात की तरफ नहीं गया होगा कि ये जो तीन प्रमुख कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उसको आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, क्योंकि जो भाजपा है ये आरएसएस के राजनीतिक विभाग का नाम है, तो भाजपा भाजपा नहीं है, भाजपा आरएसएस ही है। ये भी ठीक से हम लोगों को समझना चाहिए। तो आरएसएस के लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के समय में जो तीन कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को रद्द करके नए कानून बनाए गए हैं और नए कानून लोकसभा के द्वारा पास कर दिए गए हैं। अगर ये नए कानून, तीनों कानून पास कर दिए तो पास करने के पहले ये हैरान करने वाली बात है कि लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर 242 लोगों को उसको निलंबित किया गया और निलंबित करने के बाद ये तीन कानून पास कर दिए गए। कल्पना करो कि यदि 242 लोग राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर ये लोग संसद में होते तो ये कानून पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर पास नहीं होते। हो सकता अपोजिशन पार्टी के लोग पार्लियामेंट की जो स्क्रूटिनी कमेटी होती है उसको स्क्रूटिनी करने के लिए भेजने का प्रस्ताव रख सकते थे, या अपोजिशन पार्टी के लोग संसद में उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया, अन्यथा जो संसदीय इतिहास है भारत के संसद का, इतने सारे सांसदों को, लगभग
90% से ज्यादा सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित करने की घटना भारत के सांसदीय इतिहास में इसके पहले ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। इसलिए बहुत बड़ी आशंका होती है कि ये तीन कानून पास करने के लिए शायद ऐसा किया गया हो, अन्यथा क्या कारण बताया गया? कारण बताया कि जो राज्यसभा के उपसभापति है उसकी विरोधी पार्टी के लोगों ने मिमिक्री की, ऐसा वो कारण बता रहे। मीडिया वाले भी ऐसी ही बातें सारे देश भर में फैला रहे हैं, मगर मैं एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो मीडिया में बड़े पैमाने पर भारत की प्रजा को नहीं बताया जा रहा है वो ये कि क्या ये मिमिक्री लोकसभा में हुई, क्या ये मिमिक्री राज्यसभा में हुई? तो सबूत कहता है कि ये राज्यसभा में नहीं हुई, ये लोकसभा में नहीं हुई। यानी ये मिमिक्री करने का काम राज्यसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ। कहां हुआ? ये लोकसभा के बाहर हुआ, ये राज्यसभा के बाहर हुआ। अब लोकसभा के बाहर में, राज्यसभा के बाहर में, सारे भारत भर में बहुत कुछ होता रहता है, तो इसलिए राज्यसभा के उपसभापति का मिमिक्री करने का मुद्दा जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ, और जिस तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ये किया था उसने अपनी इस गलती के लिए क्षमा याचना भी की। उसके बाद देश को चलाने वाले लोग क्षमा याचना करने के बाद भी उसको क्षमा नहीं कर रहे, उसको भूल नहीं रहे। तो जो लोग छोटी छोटी बातों को भूलकर देश को चलाने का काम करना चाहिए, संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ऐसा करने के बजाय इतने सारे सांसदों को निलंबित करने का काम उन्होंने किया, तो ये बात तर्कसंगत नहीं लगती कि मिमिक्री की वजह से उसको निलंबित किया गया होगा। ये कारण सही नहीं लगता कि मिमिक्री की वजह से निलंबित किया गया। तो निश्चित रूप से ये तीन कानून उनको पास करने थे और बगैर किसी डिस्कशन के, डिबेट के पास करने थे। शायद यही बड़ा वजह है, ये कहा जा सकता है कि यही पहले नंबर की वजह मानी जा सकती है कि इन सांसदों को कि ये लोग चर्चा करें और उसमें नुक्स निकालने का काम करें, इस वजह से उन्होंने उनको निलंबित किया, ऐसा ज्यादा कहा जा सकता है। मगर आरएसएस और भाजपा के लोग इसको निलंबित करने के, ये जो कानून है ये कानून रद्द करने के लिए कौन सा कारण बता रहे हैं कानून रद्द करने का? एक तो मिमिक्री का मुद्दा है और सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा है। इसमें आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये तीन कानून निलंबित किए गए हैं, तीन कानून रद्द किए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और उसका आरएसएस और भाजपा के द्वारा क्या कारण बताया गया? कारण बताया गया कि ये जो रद्द किए गए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, ये कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा ये तीन ही कानून नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत कुछ है
तो क्या ये तीन ही कानून रद्द करने के बाद अंग्रेजों का कुछ नहीं बचा?